क्या आपने कभी सोचा है कि सभी कीड़े मर जाएंगे? यदि सभी इंसेक्ट गायब हो गए तो यहाँ क्या होगा? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि ये पता चला है कि अगर कीड़े गायब हो गए तो ह्यूमंस बड़ी मुसीबत में होंगे। 50 वर्षों के भीतर पृथ्वी पर सभी जीवन समाप्त हो जाएंगे। इंसेक्ट्स हालांकि खतरनाक तो है, जैसे कि बीज, एंट्स, वॉर्म्स, मस्कीटोज, पर ये अगर काट ले तो बहुत डिजीजेस पैदा कर सकते हैं, जैसे जीका और मलेरिया। ये क्रॉप्स को भी खराब कर देते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि उनमें से 90% हार्मलेस है, बल्कि हमारे और ग्रह के लिए फायदेमंद भी है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। यदि हम सभी इंसेक्ट्स को ग्रह पर एक साथ वेट करते हैं तो वे सभी मनुष्य की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक वजन करेंगे। अगर हम इन सभी इंसेक्ट्स को मार देंगे तो हम भी भूख से मर सकते हैं। ये कुछ रेप्टाइल्स, छोटे पक्षियों और मेंढकों के लिए भोजन है। यदि सभी कीड़े गायब हो गए तो वो जानवर भी नहीं बचेंगे। धीरे धीरे कोई जानवर नहीं बचेगा और बिना जानवर के हमारी पृथ्वी का सारा बैलेंस हिल जाएगा। हम भी एक्सटिंक्शन के कागार पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे तो कोई प्लांट भी नहीं रहेगा और फिर हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेगा। आपके भोजन के 50 से 90% तक के आहार उन फूलों वाले पौधों से ही आता है। इसका मतलब है कि गाय, चिकन, फिश, इन सब के लिए भी कोई भोजन नहीं है। आप धीरे धीरे एक ऐसे प्लेनेट पे रहेंगे जहाँ सिर्फ कचरों का ढेर दिखेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 100 वर्षों में अगर ऐसा ही चलता रहा, सारे इंसेक्ट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीड़े 100 वर्षों के भीतर विलुप्त हो सकते हैं। कीड़ों के बिना हमारी फसलों का 75% रिप्रोड्यूस होने में असमर्थ होगा, क्योंकि कीड़े प्रमुख पॉलिनेटर्स हैं। तो अगर इंसेक्ट्स इस धरती से विलुप्त हो गए तो अगला नंबर हमारा ही होगा। अगर आपके पास इससे जुड़ी ऐसी ही कुछ और जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।